Hi guys, कैसे हो आप सब? Welcome back to my channel. Hope you all are safe and doing great. So guys, आज की वीडियो एक हॉल वीडियो होने वाली है. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैक मिनी हॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज प्लीज इग्नोर माई लुक, क्योंकि मैंने कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं की है, सिर्फ लिप बाम अप्लाई की है, क्योंकि इसके बाद ना मुझे और एक वीडियो शूट करनी है आप लोगों के लिए. इतनी कम टाइम में ना एक बार मेकअप करके उसे रिमूव करने के बाद फिर से मेकअप अप्लाई करना, ये मुझे मेरी स्किन के लिए ठीक नहीं लगा. इसलिए मैं आप लोगों के सामने ऐसे सिंपली हॉल वीडियो शेयर करने बैठ गई. आई होप कि मेरी ग्लैम फैम कुछ माइंड नहीं करेंगे. और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले, इफ यू न्यू टू माय चैनल देन हाय, आई एम रिया. प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो हिट द बेल आइकन, सो व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल ऑलवेज गेट अ नोटिफिकेशन. ऑल्सो गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो चलिए गाइज, अभी बढ़ते हैं हॉल की तरफ. सो ये जो आप मैक के पैकेट देख रहे हो, इसके अंदर ही मैक के सारे प्रोडक्ट्स हैं. इसके लिए आई हैव स्पेंड 16,000 रुपीज. लाइफ में मैंने पहली बार एक साथ 16,000 रुपीज की मेकअप प्रोडक्ट्स परचेस की. लेट मी टेल यू गाइस, इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैंने खुद के पैसों से, खुद की यूट्यूब अर्निंग से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स परचेस की है. मैक के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने इसे भी पहले मैक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज भी की है. आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आप लोग जानते हो कि मैंने मैक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाया भी था वीडियोस में. कुछ चीजें मेरी खत्म हो गई थी इसलिए मुझे रिपर्चेस करनी पड़ी, एंड कुछ चीजें मुझे उस वक्त पसंद आ गई थी इसलिए मैंने वो भी परचेस कर ली. और हाँ, ये मैंने ऑफलाइन परचेस की है, ऑनलाइन नहीं. एंड ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, मैक में ज्यादातर कुछ भी डिस्काउंट नहीं रहती है. अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट्स, मतलब एक अमाउंट के प्रोडक्ट्स परचेस करोगे तो उसके साथ आपका थोड़ी बहुत आपको गिफ्ट मिल जाएगी, मतलब एक दो प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती है. क्योंकि मैंने 16,000 के प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं तो इसीलिए मुझे एक प्रोडक्ट फ्री में मिली है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके वीडियो में. तो चलिए गाइस, अभी देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने परचेस की है. सो फर्स्ट है मेरे पास मैक प्रेप प्लस प्राइम नेचुरल रेडियंस बेस विमियो प्राइमर. ये प्राइमर है, एंड अगर आप मुझे जानते हो, पहले से मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि मैं इसका ये पिंक वाला वर्जन मैं ऑलरेडी पहले से यूज करती हूँ. ये ऑलरेडी एम्प्टी है, मतलब थोड़ी एकदम नीचे में अगर कुछ होगा तो मुझे नहीं मालूम, मतलब ये एकदम खाली हो गया है, एंड इसलिए मैंने ये रीपर्चेस की है. ये है रेडियंट येलो. ये था रेडियंट पिंक. ये पिंक है, मेरा जो पहले वाला बॉटल है वो पिंक था, एंड दिस वन इज रेडियंट येलो. मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये शायद मुझे इतना मालूम है, ये दो वेरिएंट या तीन वेरिएंट में आती है. एक तो मैंने ये पहले वाला यूज की थी, ये भी बहुत ही अच्छा था, एंड ये है रेडियंट येलो. मुझे ज्यादातर नहीं मालूम कि कुछ शेड में मतलब कुछ डिफरेंस है कि नहीं, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ. ठीक है, ये थोड़ी सी येलोइश दिखने में है, एंड इसे अप्लाई करने के बाद आई डोंट थिंक कि कुछ फर्क पड़ेगा शेड वाइज. सो इसे मैंने अप्लाई कर ली, एंड This is how it looks like. इसे मैं अभी रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को वो पिंक वाला दिखा पाऊँ. सो इसे मैं रिमूव करने के बाद ये जो पिंक वाला है ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. ये दिखने में थोड़ी सी पिंक पिंक है, देख सकते हो, एंड इसे मैं अभी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ. देयर इज नो डिफरेंस गाइज. देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर ली. अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगी. सो मुझे लगा था पहले कि ये थोड़ी सी येलोइश टोन देगी, एंड ये थोड़ी सी पिंक वाला, रेडियंट पिंक वाला जो है वो थोड़ी सी पिंकिश टोन देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही सेम है, बाकी सब नेम के ऊपर है. मुझे तो यही लगा, इट्स माय ओपिनियन. अगर आप कुछ जानते हो इस बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना. इस प्राइमर का प्राइस है गाइस 3600. आई नो कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब मैक के सारे प्रोडक्ट्स ही काफी एक्सपेंसिव होते हैं, पर क्वालिटी वाइज, फॉर्मूला वाइज मैक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. मैंने एक बार यूज किया, आप देख सकते हो ये बॉटल ऑलरेडी एम्प्टी है, एंड इसलिए मुझे ये रीपर्चेस करनी पड़ी. नेक्स्ट मैंने दिया है मैक का ये फाउंडेशन. दिस वन इज मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15 फाउंडेशन, एंड आई एम इन द शेड NC40. सो मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसका मैक का एक और फाउंडेशन, और एक वर्जन का फाउंडेशन मैंने यूज की थी. सो ये है वो मेरा पुराना वाला जो फाउंडेशन. दिस वन इज मैक प्रोलॉन्ग वेयर वाटर प्रूफ फाउंडेशन. ये भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. यही मैं रिपर्चेस करने के लिए गई थी, पर उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, एंड ये फुल कवरेज अच्छा वाला फाउंडेशन है. सो इसलिए मैंने ये परचेस की, एंड इसे मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी, एंड आप लोगों के साथ बहुत जल्द इसका एक रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. इस फाउंडेशन को गाइस मैं आपको हाथ में एक बार अप्लाई करके दिखाती हूँ, एंड अप्लाई करने का कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है. आप देख सकते हो कोई एप्लीकेटर वगैरह कुछ भी नहीं है, पंप वगैरह
कुछ भी नहीं है, खाली ये बॉटल है जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे. एनीवेज सो अभी मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ हाथ में कि इसका टेक्सचर एंड शेप कैसा है. एंड C40 का, सो यहाँ पे मैंने इतनी सी लेनी है एंड दिस इज एनफ फॉर. ओके सो अभी मैं इसे एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ एंड वेरी इजीली ये ब्लेंड हो गई है एंड इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छी लग रही है गाइज. ओ माई गॉड, बहुत अच्छा टेक्सचर है एंड बहुत ही हाइड्रेटिंग टेक्सचर लग रही है मुझे. आप देख सकते हो एकदम ही वो मैट वाला नहीं है जो यू नो पूरी तरीके से स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई दिखाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं है. एंड इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छी लगी एंड कवरेज काफी अच्छा है. थोड़ी सी मुझे लग रही है कि ये येलोइश टोन में है एंड येलोइश टोन वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा कवरेज भी देती है ये मैंने सुना है. एंड इसे मैं ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज. बहुत अच्छी लगी मुझे इसका टेक्सचर एंड आई गेस कि ये मेरी स्किन टोन के साथ एकदम परफेक्ट मैच हो रही है. सो या I'm very excited to try it out. And guys, this foundation का price है 2950. Foundation के बाद next I have their concealer. This one is Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. This is also NC40. But guys, ये NC40 shade name and number तो same है foundation की तरह, पर कंसीलर का जो शेड एक्चुअल शेड है वो फाउंडेशन से थोड़ी सी लाइट है. अगर आप NC40 फाउंडेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आप NC40 का कंसीलर ले सकते हो. मैंने भी ये लिया है तो इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इसका शेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है इसका शेड. सो आप देख सकते हो ये जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई की थी उससे काफी ज्यादा लाइट है. सो डेफिनेटली अगर आप NC40 फाउंडेशन ले रहे हो तो आप NC40 का ही कंसीलर ट्राई कर सकते हो. सो मैं भी इसे ब्लेंड करके दिखाती हूँ आप लोगों को. बहुत क्विक ब्लेंड हो रही है एंड काफी अच्छा कवरेज है इसका. आप देख सकते हो काफी अच्छा कवरेज वाला कंसीलर है एंड इसे भी मैं ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैक का एक वन ब्रांड मेकअप लुक करूं, पर ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं था. मेरे पास था एक फाउंडेशन, एक कॉम्पैक्ट पाउडर एंड प्राइमर जो मैंने आपको दिखाया. सो वही था मेरे पास, पर अभी मैंने कंसीलर भी ली है. ओ हाँ, मेकअप एक फिक्सर भी था मेरे पास, बस ये कुछ था, ज्यादा कुछ नहीं था मेरे पास. जैसे कि आईब्रो पेंसिल मुझे खरीदनी थी पर वो आउट ऑफ स्टॉक था इसलिए मैं नहीं ले पाई. सो और भी 2-3 प्रोडक्ट्स मैं परचेस करूंगी, उसके बाद मैं एक वन ब्रांड मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. गाइस इस कंसीलर का प्राइस है 2450 एंड अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स, मैं जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ एक एक का अगर आप लोग रिव्यू देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना. मैं एक एक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी. नेक्स्ट आई हैव देयर कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस वन इज स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन. ये पाउडर प्लस फाउंडेशन इसीलिए है क्योंकि ये फुल कवरेज, ऑयल फ्री, शाइन फ्री, फुल कवरेज ये कॉम्पैक्ट पाउडर है इसका. ये भी मैंने रिपर्चेस की है एंड इससे पहले जो मेरा शेड था ना गाइस बहुत ही गड़बड़ हो गई. इसका जो शेड पहले मैं यूज की थी वो था NC25 एंड इन्होंने मुझे दिया NC40, आप लोग देख सकते हो, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है. मैं सोच रही थी कि मैं इसे मतलब चेंज करूँ, शेड चेंज करूँ, इसलिए मैं ना आप लोगों को इसका स्वॉच नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अगर मैंने कुछ कर दी ना इसको तो ये एक्सचेंज नहीं होगी. सो This is how it looks like. आप इसका शेड देख सकते हो. This is NC40 and मैं इतना ही आप लोगों को दिखा पाऊंगी. एंड पहले मैं जो यूज करती थी दिस वन इज NC25. शेड का तो काफी डिफरेंस है आप लोग ने देखा, NC40 एंड NC25. सो मैं सोच रही थी कि मैं इसे चेंज करूँ या फिर नहीं चेंज करूँ, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है. इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस है 2950. नेक्स्ट आई हैव देयर फिक्सर. दिस वन इज मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस. ये एक मेकअप सेटिंग स्प्रे कम मिस्ट है, बहुत अच्छा है इसका. एक ऑलरेडी मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो एकदम एम्प्टी हो गई है. सो इसलिए मैंने इसे रिपर्चेस की है एंड ये भी सेम है. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एकदम सेम है. सो इसका जो प्राइस है गाइस वो मैं आपको बता देती हूँ. इसका प्राइस है 1950 एंड ये सुपर डुपर, मतलब ये बहुत अच्छा एक मेकअप फिक्सर है, बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है एंड इसे आप मेकअप से पहले भी, मेकअप अप्लाई करने से पहले भी इसे एज प्राइमर भी यूज कर सकते हो. बहुत अच्छा है एंड इसीलिए मैंने इसे रिपर्चेस की है क्योंकि आपने देखा कि ये एकदम खत्म हो गई है
एंड कहीं भी अगर जा रही हूँ मैं, हल्का हो मेकअप या फिर हेवी मेकअप हो, उसके बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ, या फिर कभी कभार तो मैं मेकअप से पहले भी इसे यूज कर लेती हूँ एंड बहुत टाइम तक मेकअप फ्लॉलेस दिखती है. सो इसलिए मैंने इसे रिपर्चेस की है. दिस इज सुपर डुपर गुड गाइस, आई रियली लाइक इट एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग. ओ माय गॉड, सो रिफ्रेशिंग. मेकअप से पहले मैं इसे यूज करती हूँ एंड उसके बाद मेकअप करती हूँ तो मेकअप बहुत ज्यादा फ्लॉलेस एंड बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है. नेक्स्ट आई हैव देयर काजल एंड दिस वन इज टोटली न्यूली लॉन्च्ड, आप देख सकते हो. एंड दिस इज MAC in Extreme Dimension 24 Hour Kajal Eyeliner. This one is smudge proof, water resistant and और क्या क्या है मुझे नहीं मालूम. ये totally newly launched है, मैंने देखा इसलिए मैंने pick कर ली. And this is how it looks like. आप देख सकते हो काफी mini सा size है ये. आधा जो kajals होते हैं guys, उस तरीके का size नहीं है, बहुत ही mini size. मैंने तो सोचा था कि ये sharp, मतलब tester मैंने use किया था उस वक्त, मैंने सोचा था कि ये sharp करते करते size ऐसा हो गया, but नहीं, इसका actual size ही ऐसा ही है. So yeah, इसको एक बार अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. देख सकते हो काफी जेट ब्लैक है इसका शेड एंड बहुत ही अच्छा है फॉर्मूला, एकदम वो ड्राई वाला फॉर्मूला नहीं है, पर ये स्मज प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ है. सो इसलिए मैंने इसे पिक कर ली. एंड इसका प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, मतलब मैक का सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेस की उसमें से सबसे कम ये है. मतलब इसका प्राइस है 675 रुपीज. मैंने सब जो प्राइस था वो 2000 के करीबन था या फिर 3000 अबव था प्राइस, एंड यही सबसे सस्ता मुझे मिली इसलिए मैंने ये पिक कर लिया. एंड काफी अच्छा लगा मुझे इसका फॉर्मूला एंड इसका जो शेड आप देख सकते हो जेट ब्लैक है, इसलिए मैंने इसे परचेस कर ली. लास्ट जो चीज मेरे हाथ में है गाइस, वो मैं बहुत 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 दिनों से परचेस करना चाहती थी, पर इसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए मैं नहीं परचेस कर पाई उस टाइम पे. एंड मतलब कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगी इसलिए मैं उस टाइम पे नहीं परचेस कर पाई. पर मैंने सोचा कि नहीं रिया, एक दिन तुम जरूर परचेस करोगी, सो कंट्रोल योर सेल्फ एंड Now it's in my hand. This one is MAC Retro Matte Lipstick. I'm in the shade 707 Ruby Woo. ये बहुत ज्यादा एक famous lipstick है, lipstick नहीं lip shade है आप कह सकते हो. बहुत सारे लोगों ने इसे try की and उस वक्त मैं सोचती कि मैं इसे एक बार purchase जरूर करूंगी क्योंकि इसका shade ना बहुत different है, मतलब other red lipstick से बहुत ज्यादा different है. आप देख सकते हो बहुत अच्छा है इसका फॉर्मूला एंड ये एकदम ट्रांसफर प्रूफ है, ठीक है. अगर आप इसको वेयर करके मास्क वेयर करोगे तो मास्क में ये एकदम भी ट्रांसफर नहीं होगी. एंड इसका फॉर्मूला बहुत, ये क्रीमी मैट ज्यादा लिपस्टिक नहीं है, प्योर मैट लिपस्टिक है, बहुत अच्छा शेड है. मैं आपको एकदम एक बार आपको हाथ में स्वॉच करके दिखाती हूँ. सो दिस इज द शेड गाइज, आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी रेड शेड है, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है. इसका टेक्सचर आप देखो गाइस, एकदम वो क्रीमी मैट वाला लिपस्टिक नहीं है. क्रीमी मैट वाला लिपस्टिक आजकल हमें मास्क पहननी पड़ती है तो मास्क पहनना क्रीमी मैट लिपस्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा यू नो अनकंफर्टेबल होती है, मास्क में लग जाती है, मेकअप खराब हो जाती है. तो इसीलिए इस तरीके की लिपस्टिक मैं हमेशा ढूंढती हूँ जो कि ट्रांसफर प्रूफ होती है. दिस वन इज ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक. इस लिपस्टिक का प्राइस है गाइस 1750 रुपीज. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड मैक का कोई लिपस्टिक मेरे पास नहीं था. दिस वन इज माई फर्स्ट एंड फेवरेट लिपस्टिक फ्रॉम मैक एंड इसलिए मैंने इसे इस बार परचेस कर लिया एंड आई एम रियली 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 हैप्पी गाइस. अच्छा, लास्ट मेरे पास ये जो लिपस्टिक आप देख रहे हो ये मैंने परचेस नहीं की मैक से. 16,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करने के बाद ये छोटू सा लिपस्टिक मुझे मिली है, मतलब सेम साइज है, मिनी साइज नहीं है. पर यार 16,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करने के बाद कौन एक लिपस्टिक देता है यार, कुछ और तो देना चाहिए था, रियली डिसअपॉइंटिंग. सो चलिए गाइस अभी इसे देखते हैं इसका शेड कैसा है. मुझे तो इसका जो कवर में जो शेड दिखा रहा है ये देख के मुझे एकदम पसंद नहीं आया था. मैंने उनको बोला था कि एक न्यू शेड में कुछ दो, पर उन्होंने कहा कि नहीं ये ही अवेलेबल है, आपको ये लेना पड़ेगा. सो ये रहा शेड, ऑरेंज शेड का है. पता नहीं ये लिप्स में अप्लाई करने के बाद कैसी मतलब दिखूंगी मैं. सो इसे मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. अच्छा, ये जो रूबी वो वाला मैंने आपको दिखा था वो था एकदम मैट लिपस्टिक एंड दिस वन इज क्रीमी मैट लिपस्टिक, आप देख सकते हो, जो कि ट्रांसफर होगी. सो बाहर तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी इसे वेयर करके, तो मुझे इसे आप लोगों के साथ मतलब वीडियो शूटिंग टाइम ही मैं इसे अप्लाई कर पाऊंगी. पता नहीं कैसी दिखूंगी मैं इसे अप्लाई करके, गॉड नोस. सो या इसका भी प्राइस
ये नॉट फॉर सेल में लिखा हुआ है पर इसका भी प्राइस शायद 750 के अराउंड ही कुछ होगा। सो या गाइस, यही सारी प्रोडक्ट्स मैंने मैक से परचेस की एंड एक एक के ऊपर मैं बहुत जल्द रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो। कमेंट जरूर करना, कमेंट के वेट में हमेशा करती रहती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। सो या गाइस, आज की ये मिनी हॉल वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, आई लव यू, बाय।